या टुडे आई हैव टू कवर व्हाट टुडे आई हैव टू कवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ टिंटन अवे, उसका रिमेनिंग पार्ट हम लोग कवर करेंगे, शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Good evening, sir. Yeah, good evening, Vinodji. So I think I have to go with the with line number 23 because कल जो है मेरी sound break हो रही थी. आज network सही है. तो इस condition में मैं जो है वहीं से कवर करूंगा और इसीलिए मैंने उस क्लास को रिकॉर्ड तो हुआ था बट आई डिडेंट अपलोड या डिडेंट सेंड इट एनीवेयर. सो अगेन आई विल गो विद द सेम लाइन जो रहा उसी से ही हम लोग चलेंगे. तो इसमें दो इफ यू गो यू विल फाइंड दैट कि दो अपसेट लॉन्ग इस तरह से करके जो ये था यही से हम लोग उसको कवर करेंगे और आई थिंक कि ऊपर की 20 से 22 लाइन आपको क्लियर है उसमें कोई दिक्कत नहीं है. या इफ यू फाइंड यू विल कम टू नो कि वर्ड्सवर्थ का जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो आई टोल्ड यू वर्ड्सवर्थ वाज एन अर्डेंट वर्शिपर ऑफ नेचर. वर्ड्सवर्थ जो है क्या थे, अर्डेंट वर्शिपर ऑफ नेचर थे. या यू कैन से वर्ड्सवर्थ वाज अ ट्रू वर्शिपर ऑफ नेचर. व्हेन यू फाइंड दिस फ्रेज की He was a true worshipper of nature. He was an ardent worshipper of nature. Simply, it means that he was loyal to nature. He has dedicated himself to nature. Yeah, you can say ki sab kuch unhone aisa lagta hai ki he submitted himself in the lap of nature. These things you find, these things you come to know. Ye sab cheeze aap dekhte hain ya ye sab cheeze aap paate hain. So, mera bas itna simple sa kehna hai ki If you go with that point, तो उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि और क्या क्या चीजें. पूरी पोयम के लाइन को तो हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एक्सप्लेन होना, जो एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है. एंड विद दैट वर्ड यू विल कम टू नो कि हाँ ये चीजें महत्वपूर्ण रही है. एक जैसे इसमें वर्ड आया हुआ है कि दो अपसेंट लॉन्ग. So what was absent long? If I ask a question to all of you, what was absent long? If the question comes, yeah. Sir, from 1793 to 1798. Yeah, 1793 to 1798. It means that natural beauty. It means that the beauty of nature, the beauty of Tintin Abbey, which he visited for the first time in 1793, physically it was absent. क्योंकि वो 5 साल तक वहाँ पे तो थे नहीं. तो उन्होंने बताया कि दो absent long, the forms of beauty. What forms of beauty? The forms of beauty, the beauty which he beholded, the beauty which he saw in Tintin Abbey. वो beauty अब जो है 5 साल तक तो उनकी life में absent ही थी. The forms of beauty. Have not been to me. वह मुझे ऐसा have not been to me. वह मेरे पास इस तरह से नहीं थी. Have not been to me. जब आपका BEEL लग गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा है कि वर्ड्सवर्थ को वो चीजें याद तो आ रही थी. वो चीजें याद तो आ रही थी लेकिन वो केवल उनकी मेमोरी में था. फिजिकली वो चीजें वहां पे मौजूद नहीं थी क्योंकि नाउ he visited that place in 1793. Now he started to live in town and city areas. तो वो ये कहते कि have not been to me, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मेरे सामने इस तरह से अनुपस्थित थी. As is a landscape to a blind man's eye, जैसे कि किसी अंधे आदमी के सामने जो है लैंडस्केप की बात की जाए. अगर आप कोई आदमी अंधा है और अगर आप उसको लैंडस्केप की बात करते हैं तो उस अंधे आदमी ने तो लैंडस्केप कभी देखा ही नहीं है तो वो उसको क्या समझ पाएगा. वो तसव्वुर कर सकता है कि हाँ शायद ऐसा होगा लेकिन किसी भी चीज की तसव्वुर तब होती है
जब उसकी एक इमेज आपके आंखों में बने, या तो उससे ज्यादा बड़ा बनेगा या तो उससे ज्यादा छोटा बनेगा जो हकीकत। जैसे हम लोगों ने एक कोई ऐसे पढ़ा हुआ था, उसमें हुआ कि एक बच्चे ने कभी शेर नहीं देखा था, और जब वो राइटर कोई ऐसे ही थी है, और उसके बाद जो है जब वो शेर को देखा जंगल गया पहली बार, तो उसने सोचा कि जब बड़ा हो गया जंगल गया, तो उसने कहा कि लोग बचपन में कहते थे शेर शक्तिशाली होता है, शेर जंगल का राजा होता है, और उससे बड़ा तो हाथी है, तो हाथी को क्यों नहीं कहा जाता। तो चूंकि बच्चे ने तब तक शेर को देखा नहीं था ना तो हाथी को देखा था, तो जब चीजें आप देखे नहीं है और आपको ये बताई जाती कि ये तो जंगल का राजा होगा, तो जब आप नहीं देखे हैं फोटो में, टीवी में या कहीं पर, तो अगर आप इमेजिन करेंगे तो बहुत भारी भरकम चीज आप इमेजिन करेंगे, और इस ऐसा लगेगा कि सबसे बड़ा जानवर शेर होगा। लेकिन वर्ड्सवर्थ तो उस जगह को देख चुके हैं ना, वर्ड्सवर्थ हैज गॉन दैट प्लेस, वर्ड्सवर्थ हैज सीन द ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एंड टिल्टन अवे। तो हियर यू फाइंड कि उनके उनके जो है सामने ये जो चीजें थी, ऐसा नहीं था कि दो अब्सेंट लॉन्ग These forms of beauty have not been to be। ये ऐसा नहीं था कि यह उनके सामने ऐसे ही अपसेंट था जैसे कि एक अंधे आदमी के सामने लैंडस्केप की बात की जाए। तो इफ द माइंड इज ब्लाइंड, इफ द माइंड हैज नेवर सीन, इफ द माइंड हैज नॉट केम टू नो अबाउट द आइडिया ऑफ लैंडस्केप, तो वो कहाँ से कर सकता, हो ही नहीं सकता उसको जो है। तो ये एक बहुत बेसिक पॉइंट रहा है। आगे कह रहे कि यहाँ पे सिमली का यूज किया गया, एज इज अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैन्स आई। फिर कहते हैं बट ऑफ्ट, लेकिन प्राय इन लोनली रूम्स, जब मैं अकेले कमरे में रहता था। कमरे में अकेले रहने का क्या मतलब है? कमरे में अकेले रहने का सिंपल सा मतलब यही है, व्हेन वर्ड्सवर्थ वाज अलोन एंड देयर वाज नो वन विद वर्ड्सवर्थ, and when he was passing the materialistic life, or you can say a life of cities and town area, and when he was alone there was no one, that time the beauty of Tintin Abbey haunted him। unko bar bar Tintin Abbey ki yaad aati thi, to unhone kaha ki but oft in lonely rooms, jab main praya akele kamre mein rehta tha, and mid the din of towns and cities, din ka matlab hai noise, aur टाउन्स और सिटीज की जो शोरगुल भरी जिंदगी थी। देखिए दो जिंदगी को आप इमेजिन करिए, और दोनों जिंदगियां इंडिया में आपने बहुत अच्छे ढंग से देखा है, टाउन्स और सिटीज, बिकॉज यू आर लिविंग इन 21st सेंचुरी इंडिया। इफ यू एवर गो टू दिल्ली, इफ यू एवर गो टू एनी बिग सिटी, कानपुर में भी अगर आप चले आएंगे तो ऐसा लगता है कि इंसानों का पैर दूसरे इंसान से टकरा रहा, चलने की जगह नहीं है, गंदगी तमाम चीजें। और एक आप तस्वीर करिए इंडिया की उस ब्यूटी को जो विलेज एरिया में दिखाई पड़ती। मैं एक छोटे मोटे विलेज की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे नदियां हैं, पेड़ पौधे हैं, एक नॉर्मल विलेज, मैं हिल स्टेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने देखा होगा कि आपका जो बचपना था, अगर वहां गुजरा होगा और आप 10 साल बाद जाके देखेंगे, 15 साल बाद अगर आप जाकर के देखेंगे, तो बहुत कुछ बदल चुका होगा। नदियां तंग हो गई है, नदियों में जलकुंभियां निकल आई है, साफ सफाई नहीं है, नदियां नाले में तब्दील हो गई है, जो नदियों का बहाव कभी आप बचपन में अपने देखे होंगे, वो सब चीजें बहुत संकुचित हो गई है। उसके पीछे रीजन क्या है कि हमने नेचर को कभी महत्व नहीं दिया। हमने कभी जो ये बात कही जाती थी कि पुराणों में, शास्त्रों में जिन चीजों को जितना ज्यादा महत्व दिया गया था, आज केवल उन चीजों के नाम पर वोट पॉलिटिक्स होती है, वोट लेकर के उसको लेकर के कोई काम उस पर नहीं किया जाता है। ना तो जो है गंगा की सफाई पर कोई काम हुआ उस तरह से, ना और किसी तरह से कोई काम हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमने नेचर के साथ खिलवाड़ किया, और जब जो है कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम ज्योग्राफी में नाम देख देंगे कि ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से है, ये कौन से विक्षोभ की वजह से है। ठीक है, आज के समय में साइंटिफिक डिस्कवरीज हो गई, आज के समय में चीजें में तब्दीली आ गई, वी कैन यूज दीज वर्ड्स, लेकिन अगर हम देखें रियली में, कभी कभार ये दुख होता है कि इफ यू गो, तो आप ये देखेंगे कि हमने बहुत ज्यादती की है। नदियों के किनारे कुछ एरियाज में तो इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज भी लगा दी गई है, और इसके अलावा जो है जो रियल इन्वायरमेंट गाँव का था, वो सारे इन्वायरमेंट
बिल्कुल खराब कर दिए गए हैं, जो पेड़ पौधे थे वहां के पुराने जमाने के वो टूट फूट गए, कभी नई जनरेशन ने लगाने की कोशिश नहीं की। हम हर चीज सरकार से तवक्को करते हैं तो सरकार हर चीज नहीं कर दे, कुछ हमें भी हाथ पांव चलाना पड़ेगा। खासकर गांव में जो लोग रह रहे हैं उनकी अपनी जो जमीनें हैं वैसी पड़ती पड़ी हुई है, उसपे जो है कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहता कि हाँ 4-6 टू पेड़ लगा दिया जाए, या को पता चली वो जमीन विवादित है, चाचा का दादा से, दादा का उससे, उनका उससे चल रहा है। मतलब एक बहुत सिंपल सी ये बात है कि यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट वी डिड विद नेचर। लेकिन वर्ड्सवर्थ में एक तड़प है, वर्ड्सवर्थ में एक कशिश है, वर्ड्सवर्थ में एक दर्द है, और वर्ड्सवर्थ जब से उस चीज को देखे हुए है, ही वॉज टू गो देयर, ही वॉज टू कम बैक टू दैट प्लेस। और वो कहते हैं कि चाहे मैं कमरे में अकेले रहा हूँ या शोरगुल भरी जिंदगी मैंने व्यतीत किया टाउन्स में, सिटीज में, आई हैव ओ टू देम, मैं हमेशा उनके प्रति ऋणी रहा हूँ। आई मीन्स वर्ड्सवर्थ, ओ का मतलब होता है ऋणी रहना, लेकिन देम कौन है? कोई सिंगल नहीं है यहाँ पे, देम का मतलब सिंगल नहीं है, यहाँ देम का मतलब नेचर भी नहीं है, यहाँ देम का मतलब नेचुरल ऑब्जेक्ट। क्योंकि वर्ड्सवर्थ जब पहली बार उस जगह को विजिट किए हैं तो उनको नेचुरल ऑब्जेक्ट ने या नेचर की ब्यूटी ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, और वर्ड्सवर्थ उसमें पहली बार की विजिटिंग में पैंथिज्म नहीं देख पाए हैं, वर्ड्सवर्थ मिस्टिसिज्म नहीं देख पाए हैं, वर्ड्सवर्थ ओनली सीज वर्ड, वर्ड्सवर्थ ओनली सीज वन थिंग एंड दैट इज वर्ड, दैट इज कि एक ग्लिटरिंग ही फाइंड्स इन हिज आईज, अपनी आंखों में वो एक चमक महसूस करते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमेशा ये चीजें मुझे प्रभावित करती रही हैं, चाहे मैं शहरों की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में रह रहा हूँ या टाउन्स की लाइफ व्यतीत कर रहा हूँ या कमरे में अकेले रह रहा हूँ, आई हैव ओ टू देम, मैं उनके प्रति हमेशा ऋणी रहा हूँ। और ये जो मैं रेडी रहा हूँ, और भी एक कंडीशन बताते हैं, ऐसा नहीं कि जब मैं अकेले हूँ या शहरों भरी जिंदगी, इन आर्स ऑफ वियरीनेस, जब मैं थक जाता था, और थकान से क्या मतलब है, थकान से मतलब केवल यही इतना नहीं है, वर्ड्सवर्थ डजंट वांट टू से कि ही डिड हार्ड लेबर या ही टुक पेन, नो नॉट एट ऑल, वर्ड्सवर्थ का मतलब यह है कि मटेरियलिस्टिक लाइफ जीते जीते जब मैं बोर हो गया, मटेरियलिस्टिक लाइफ जीते जीते जब मैं थक गया, क्योंकि वर्ड्सवर्थ हैज डिस्क्राइब्ड सच लाइफ इन हिज सॉनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, तब वो कहते हैं कि उस समय भी जो है नेचर की, नेचुरल ऑब्जेक्ट का किसी न किसी रूप में मैं रेडी रहा हूँ, वो मुझे वो मैं वहां पे नहीं था, ना वो मेरे साथ फिजिकली थी, लेकिन जो समय मैंने गुजारा उस समय को जब मैं रिकॉल करता हूँ, व्हेन आई रिकॉल, व्हेन आई मेमोराइज दैट टाइम, व्हेन आई रिकॉल दैट टाइम, I come to know that I was highly significant. So these things you come to know. So जो मैं रेडी रहा हूँ, कैसे रेडी रहा हूँ, weariness, sensation sweet, in hours of weariness. और जब मैं weariness, थकान मुझे लगती थी या जब मैं बोर होता था, तो एक तरह से मेरे शरीर में रोमांच की स्थिति बनती थी, sensation. सेंसेशन, रोमांचित कर देने वाला, स्वीट, सुखद। तो ही सेज दैट कि मुझे मेरे अंदर एक रोमांचित कर देने वाला, एक सुखद एहसास होता था। कब होता था? जब मैं अकेला था, जब मैं भीड़ भाड़ भरी जिंदगी गुजार रहा था, जब मैं थक जाता था, ऐसे कंडीशन में भी मुझे कहीं से हीलिंग टच, कहीं से बाम, कहीं से काम, कहीं से ट्रैंक्विलिटी, कहीं से जॉय, कहीं से डिलाइट, कहीं से प्लेजर का एहसास होता था। और ये कैसे होता था? ये इस तरह से होता था कि नेचर और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स विच आई बिहोल्डेड इन 1793, इट यू कैन से इट जस्ट ड्वेल्ड अपॉन इन द कोर ऑफ माई हार्ट, ये मेरे हृदय की गहराइयों में जाके बस गए थे, और जब भी मैं ट्रबल में होता था, मैं उसको याद करता था, मैं उस खूबसूरत मंजर को याद करता था, मैं उस खूबसूरत समय को याद करता था, और वो खूबसूरत मंजर, वो खूबसूरत समय जो मैंने कुछ समय के लिए, कुछ दिनों मैं टिंटानबे में गुजारा था, ऐसा लगता था कि मेरे बुरे दिनों में वे मेरे लिए मरहम का काम कर रहे। So, ये एक चीज है जो आपको समझने की जरूरत है,
कि व्हाट डू यू मीन बाय सेंसेशन स्वीट, व्हाट डू यू मीन बाय आर्स ऑफ वियरीनेस। और ये जो सेंसेशन स्वीट में महसूस करता था कहाँ पे, फेल्ट इन द ब्लड एंड फेल्ट अलोंग इन द हार्ट। मैंने इसको महसूस किया कहाँ पे महसूस किया, अपने ब्लड में महसूस किया और अपने हार्ट में महसूस किया। फेल्ट इन द ब्लड एंड फेल्ट अलोंग इन द हार्ट। जस्ट आई वॉन्ट टू नो टू इम्पोर्टेंट थिंग, क्या हार्ट का क्या ब्लड का कोई रिलेशनशिप है बॉडी आर्गन से? या अगर आप ये कहें कि मैं रोमांचित हो उठा और मेरा जो रोमांच है वो जो है इस कदर था कि मेरा दिल और मेरा ब्लड पूरा का पूरा इस चीज इस रोमांचित होने का एहसास कर रहा था, तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि यह जो रोमांच था, यह जो आप कह सकते हैं कि आप रोमांचित हुए थे, आपके शरीर के एक एक रोए ने महसूस किया। जैसे लोग ये कहते हैं कि तुम मेरे रोम रोम में बसते हो, तो ये जो वर्ड है कि यू आर इन माई हार्ट, यू आर इन माई सोल, तो अगर कोई चीज आपके ब्लड में मिल जाएगी तो जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है इट सर्कुलेट्स फ्रॉम टो टू हेड। और वर्ड्सवर्थ ने कहा ये सेंसेशन मैंने अपने हार्ट में महसूस किया, मैंने अपने ब्लड में महसूस किया, इट मीन्स दैट आई फेल्ट दिस सेंसेशन इन माई बॉडी फ्रॉम टो टू हेड बिकॉज द ब्लड सर्कुलेट्स फ्रॉम टो टू हेड, सो आई फेल्ट इट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ वर्ड्सवर्थ पोयम, और वहां पे आप इसे समझ सकते हैं। ही हियर टेल्स व्हाट ही हियर टेल्स फेल्ट इन द ब्लड एंड फेल्ट अलोंग द हार्ट। मैंने इस रोमांच को इस सेंसेशन स्ट्रीट को आई फेल्ट इन द ब्लड आई फेल्ट अलोंग द हार्ट एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योरर माइंड। बहुत खूबसूरत वर्ड है, माइंड से पहले प्योरर वर्ड को ला करके वर्ड्सवर्थ ने उसमें ऐसा लगता है कि कोई चीज बची ही नहीं रह गई है। और उन्होंने कहा जो मेरा दिमाग है इस रोमांच को मैंने अपने दिमाग में भी महसूस किया, लेकिन जो मेरा दिमाग है वह कैसे प्योरर माइंड में शुद्ध दिमाग में महसूस किया। तो सवाल ये उठता है कि विच माइंड इज अशुद्ध एंड विच माइंड इज शुद्ध, विच इज इम्प्योरर एंड विच इज प्योरर। रिमेम्बर दैट इन द व्यू ऑफ वर्ड्सवर्थ इफ एनीवन इज passing a living materialistic life and spending his time only to earn and spend money late night and early morning, so that mind is not pure mind. If anyone is always thinking only about materialistic life or materialistic progress, then that mind is not a pure mind. Pure mind ek aisa mind hai jo ki aap keh sakte hai ki बहुत ही ज्यादा शुद्ध हो। प्योरर माइंड एक ऐसा माइंड है जिसमें किसी तरह का मटेरियलिस्टिक केमिस्ट्री ना हो, जो मटेरियलिज्म का झंझावत है उससे दूर हो, सीधा सादा सज्जन और बिल्कुल एकदम से जस्ट आई का लैम्ब, और किसी भी तरह का उसमें उलझने ना हो। बल्कि प्योरर माइंड एक ऐसा माइंड होता है जो बिल्कुल खुली किताब होती है, एंड दैट माइंड इज ऑलवेज रेडी टू वेलकम नेचर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स विदाउट यूजिंग एनी रीजन। उसमें ये नहीं लगाया जा सकता तर्क कि ऐसा है कैसा है क्यों है, प्योरर माइंड। तो उन्होंने बताया कि इसका जो प्रभाव पड़ा मेरे हार्ट पर पड़ा, मेरे ब्लड में पड़ा और मेरे प्योरर माइंड पर पड़ा। ये एक चीज है जो ध्यान में रखना है। विद ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन, और रिजल्ट किस रूप में आया? ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन, ट्रैंक्विल काम शांति, रेस्टोरेट पुनः स्थापित हुई। जो बेचैनी जो उलझन मेरे अंदर थी, जो बेचैनी जो उलझन इस वजह से थी कि मैं जो है डिम सिटीज एंड टाउन लाइफ आई वाज पासिंग, आई वाज लिविंग एलोन इन द रूम, उस बेचैनी उस उलझन से मैं बाहर निकला और मुझे क्या नसीब हुआ, मुझे क्या मिला, एक तरह का ट्रैंक्विल मिला, बाम आई फेल्ट काम, आई फेल्ट ट्रैंक्विलिटी, एंड दैट ट्रैंक्विलिटी वाज री स्टोर्ड बिकॉज
मैं उसकी तलाश में था और ऐसा मुझे क्यों मिला, इसलिए आई आई फाउंड इट बिकॉज आई स्पेंट सम लवली डेज, आई स्पेंट सम रोमांटिक डेज, सम ब्यूटीफुल डेज, सम गुड डेज ऑफ माई लाइफ इन द लैप ऑफ नेचर इन 1793। तो वर्ड्सवर्थ क्या कर रहे हैं, जब सेकेंड टाइम गए हुए हैं तो सेकेंड टाइम जाने के बाद वर्ड्सवर्थ उस एक्सपीरियंस को बता रहे हैं जब वो पहली बार वहां गए हुए थे। तो पहली बार जाने पर उनकी लाइफ में क्या परिवर्तन आया, व्हाट डिड ही फील, जब वो सेकेंड टाइम गए हैं तब क्या परिवर्तन आया और वो तब क्या फील करते, उसको उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ। आई थिंक यू गॉट इट विथ टैंकी रेस्टोरेशन फीलिंग टू ऑफ अनरिमेम्बर्ड प्लेजर। और इतना ही नहीं कि टैंकी रेस्टोरेशन हुआ, जब जो है रेस्टोरेशन होगा, जब काम का एहसास होगा, बाम का एहसास होगा, ट्रैंक्विलिटी का एहसास होगा, तो फीलिंग टू ऑफ अनरिमेम्बर्ड प्लेजर, और तब मुझे एक ऐसी खुशियां मिली, एक ऐसा डिलाइट मिला, एक ऐसी चीजें मिली जिसको जो अनरिमेम्बर्ड थी, मुझे याद ही नहीं था कि ये खुशी मुझे कब मिली थी अपनी जिंदगी में। फीलिंग टू अनरिमेम्बर्ड प्लेजर, आई फेल्ट व्हाट आई फेल्ट अनरिमेम्बर्ड प्लेजर, सर सच परहैप्स आई मे हैव हैड नो ट्रिवियल इन्फ्लुएंस। बहुत खूबसूरत लाइन है, और यह प्लेजर ऐसा था, यह डिलाइट ऐसी थी जिसका आप कह सकते हैं कि इसका कोई ट्रिवियल इन्फ्लुएंस नहीं था। ट्रिवियल माने होता है माइनर, ट्रिवियल का मतलब होता है पेटी, ट्रिवियल का मतलब होता है कि समथिंग दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जिस खुशी का मैंने एहसास किया, जो डिलाइट मुझे मिला, जो प्लेजर मुझे मिला, यह जो है अनरिमेम्बर्ड प्लेजर था। मतलब इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, अनरिमेम्बर्ड प्लेजर, और एक ऐसा प्लेजर था जिसका कोई ट्रिवियल इन्फ्लुएंस नहीं था। इसको लाइटली हमें नहीं लेना है भाई, अगर किसी चीज ने हमारी आत्मा को प्रभावित किया, हमारे दिल को प्रभावित किया, हमारे प्योरर माइंड पर इम्पैक्ट डाला, हमारे शरीर के एक एक हिस्से को प्रभावित किया, एंड इट इन्फ्लुएंस द होल बॉडी फ्रॉम टो टू हेड, तो इसका मतलब यह है कि वह जो इम्पैक्ट था, वह जो ब्यूटी थी, वह छोटी मोटी नहीं थी। नाउ ही सेड ऑफ अनरिमेम्बर्ड प्लेजर सच परहैप्स एज मे हैव हैड नो ट्रिवियल इन्फ्लुएंस ऑन दैट बेस्ट पोर्शन ऑफ अ गुड मैन्स लाइफ। और ऐसा लगा कि जैसे ये जो प्लेजर था या क्या था, बेस्ट पोर्शन, यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा भाग था, बेस्ट पोर्शन था ऑफ अ गुड मैन्स लाइफ, किसी आदमी के जीवन का जो हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं उसमें। ये हम कभी कभार बातें करते हैं कि ये हमारी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे, ये हमारी जिंदगी के सबसे अच्छे लम्हे थे, ये हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत बसंत थे। तो ऐसी वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि शायद ये जो खुशियां थी वो किसी भी इंसान की जो सबसे उसके जीवन के जो सबसे बेहतर दिन होते हैं, वैसा ही कुछ मुझे एहसास हुआ। ऑन दैट बेस्ट पोर्शन, सबसे अच्छा ऑफ अ गुड मैन्स लाइफ। नाउ अब वर्ड्सवर्थ अपने आप को ही थर्ड पर्सन में तब्दील कर दे रहे हैं। क्यों थर्ड पर्सन में, हिज यहाँ दूसरे के लिए नहीं आया है, वर्ड्सवर्थ के लिए आया हुआ है, लेकिन वो वर्ड्सवर्थ जो 1793 में टिंटानवे में गए थे, वह उनके एक्सपीरियंस को बता रहे हैं। हिज लिटिल नेमलेस, हिज लिटिल उसका जो छोटा सा प्रयास था, नेमलेस जिसको उस समय कोई नाम नहीं दिया जा सकता था, अनरिमेम्बर्ड एक्ट, उसकी ऐसी हरकतें जिसको रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं थी, अनरिमेम्बर्ड रही है, ऑफ काइंडनेस एंड ऑफ लव, साथ ही साथ उसकी जो दयालुता थी, जो उसका लव था नेचर के प्रति, ऑफ काइंडनेस एंड ऑफ लव, नार लेस आई ट्रस्ट, कम से कम मैं उसमें आज भी विश्वास करता हूँ, नार लेस आई ट्रस्ट, मैं विश्वास करता हूँ, टू देम उनमें, किनमें, उन नेचर और उन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में, जब वर्ड्सवर्थ इमैच्योर थे,
जब वर्सवर्थ एक आप कह सकते हैं कि बच्चे की तरह से थे, नॉट बच्चे की तरह से बट एडोलिसेंस एज रहा होगा, या ही वॉज अ यंग मैन बट नॉट अ मेच्योर वन एंड ही वेंट देयर इन द लाइफ ऑफ नेचर, तो उनकी जो हरकतें थी या जो उन्होंने वहां पे बिहेवियर किया वह चंचलता से परिपूर्ण था। आप अगर किसी बच्चे को स्पेशली, मैं तो नहीं कह सकता कि द चाइल्ड हु इज लिविंग इन विलेज एरिया, मैं वहां की बात तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो बच्चा सिटी लाइफ जी रहा है और एक छोटे से मकान में, या आप कह सकते हैं कि एक छोटे से फ्लैट में रह रहा है, मैंने कई बार ऐसा देखा, यही कानपुर में ही देखा, कि बहुत से ऐसी फैमिलीज है जो तीन या आप कह सकते कमरे का फ्लैट, चार कमरे का फ्लैट लेकर के दे आर लिविंग, और जब संडे को या इफ दे हैव टाइम दे गो विद देयर सन्स एंड डॉटर्स टू मूव एट मोती झील, तो उनके बच्चों में मैंने जो एक पैशन देखा खेलने का, या उनकी आंखों में जो एक चमक होती है कि पेरेंट्स जो है बेंच पर बैठे हुए हैं, और बच्चों में कितनी एनर्जी होती है कि वे पूरा राउंड लगा डालते हैं बिल्कुल, और ऐसा लगता है पेरेंट्स थक जाते हैं, जबकि वो बच्चे कोमल है, उनका शरीर कोमल है, बट आई फाउंड दैट कि दे वांट द ब्यूटी दे हैव, हाउ मच डू दे एंजॉय, समटाइम्स दे से कि मुझे झूले पे झुलाइए, समटाइम्स दे गो टू सी बत्तख, समटाइम्स दे मींस डक, समटाइम्स दे बिहोल्ड दैट पार्टिकुलर जो झील है लेक उसको बिहोल्ड करते, सम टाइम दे हैव फुटबॉल ऑलरेडी अदर, आप कह सकते हैं कि उनके पास सामान है वे उसके साथ खेलते। सो यहाँ पे मेरा मतलब है कि वट एवर द टाइम दे पास, दोज आर अनरिमेम्बर्ड डेज, अनरिमेम्बर्ड, उसको याद करने की जरूरत नहीं होगी, आप रिमेम्बर तो उसको याद किया जाता है जो आप भूल जाए, जिसे आप भूलेंगे ही नहीं वो तो क्या होगा, अनरिमेम्बर्ड होगा ना, रिमेम्बर का मतलब तो याद करना, तो याद किसको किया जाएगा, याद उसको किया जाएगा जिसको आप भूल जाएंगे, तो वो तो हमेशा याद आ रहा है, वो हमेशा याद आ रहा है, और मैंने कई बार कहा है कि जो ये कहा जाता है इफ एनी वन, इफ यू आस्क मिस्टर शमीम, इफ यू आस्क एनी वन कि वट आर द गोल्डन डेज ऑफ योर लाइफ, तो एवरी वन विल से ओनली चाइल्डहुड। Now when you passed the high school, yeah, when you came in high school, there was a pressure that you have to clear it, you have to score itna percent, utna percent, then you cracked intermediate, then BA. अब तो सबसे बड़ा दिक्कत है कि you need job. अब तो आपके शरीर में इतना स्फूर्ति नहीं है कि आदमी उतना दौड़ सके, धूप सके, चल सके, no, not at all. उतना life, lazy life. और बिल्कुल चाउमीन वाली जनरेशन, बर्गर वाली जनरेशन, स्मार्टफोन का जो खेल है वो वाली जनरेशन, इसका विलियम वर्ड्सवर्थ से लेना देना नहीं है, लेकिन आई अप्लाई दीज थिंग्स इन माई लाइफ, और मैं समझता हूँ कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे, कि आप ये सोच रहे होंगे मैं एक अलग दिशा पकड़ लिया, लेकिन ये मेरी इमोशंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आई फील इन माई लाइफ, इवन यू कैन ऑल्सो सी, यू कैन ऑल्सो फील दैट थिंग कि how the changes took place even in India, that is the land of what beauty, land of nature, land of natural objects, वहाँ पे कितना ज़्यादा environment के साथ, पर्यावरण के साथ खेल खेला गया, तमाम चीज़ें जो है, और हर साल बड़ी बड़ी बातें होगी कि इतने पेड़ लगाना है, हर साल बड़ी बड़ी बातें कि हमें पॉलीथीन के बैग का यूज़ नहीं करना है, हर साल ये बात होगा कि विमल पान मसाला नहीं, गुटखा नहीं, लेकिन सब कुछ हर साल यही होगा कि शराब पे बैन लगाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले कोरोना में शराब की दुकान खुलेगी, मतलब कुल मिलाकर के एकदम एकदम जैसे दिखाता है ना कि झूठा लाइफ, वी ऑल आर लिविंग, वी ऑल आर पासिंग, यू विल कम टू नो की सिंप्लिसिटी, यू विल कम टू नो ह्यूमैनिटी, गुडनेस एंड वर्च्यू, या यू कैन से नॉर्मल लाइफ, ओनली आई सी इन विलेज, विलेज में है, लेकिन विलेज में आज थोड़ा सा पॉलिटिक्स दूसरे दिशा में चली गई, उसका असर हर जगह पे देखने को मिलता है। सो व्हाट आई वांट टू से, वर्ड्सवर्थ भी इतना ही चीजों को लेके कहते हैं, और कहते हैं कि नॉट लेस की अनरिमेम्बर्ड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड ऑफ लव, नॉट लेस आई ट्रस्ट टू देम, द वर्ड ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
यू बिलीव यू ट्रस्ट इन एनी वन जब आपका उसके साथ इंटीमेसी होता है. अगर आपका उससे उसके साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होगा तो ट्रस्ट नहीं होगा. ट्रस्ट वहीं पर होता है जहां पर इंटीमेसी है. इसका मतलब वर्ड्सवर्थ का नेचर और नेचुरल ऑब्जेक्ट से जो केमिस्ट्री है, दैट इज द केमिस्ट्री ऑफ अ सोल एंड वर्ड, द रिलेशनशिप बिटवीन सोल एंड गॉड. एंड ही सेज दैट आई ट्रस्ट टू देम दोज नेचर नेचुरल ऑब्जेक्ट, द टाइम विच आई पास्ड इन द लाइफ ऑफ नेचर. और मैं क्या विश्वास करता हूँ, आई मे हैव गॉड एंड अदर गिफ्ट, कि प्रकृति की उस दुनिया से प्रकृति का जो समय मैंने पास किया, जो खूबसूरत नजारा है, मैं उनके प्रति अलग ढंग से ऋणी रहा हूँ और कुछ दूसरे गिफ्ट और उपहार भी मुझे मिले हुए. एक तो गिफ्ट और उपहार उन्होंने ये बताया कि जब मैं अकेला था, जब मैं भीड़ भाड़ भरी जिंदगी व्यतीत कर रहा था, जब मैं रूम में अकेला था, जब मैं शहरों भरी जिंदगी व्यतीत कर रहा था, उस समय भी एक ट्रैंक्विल का रिस्टोरेशन हुआ था. एंड आई फील अ टाइप ऑफ सेंसेशन स्वीट इन माई बॉडी, स्पेशली इन माई हार्ट, इन माई ब्लड दैट रन फ्रॉम टू टू हेड, एंड इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड माई प्योरर माइंड. एंड वर्ड्सवर्थ सेज दैट आई हैव ओड टू देम इन अनदर वे. और वह जो चीजें थी अनदर गिफ्ट मुझे मिला. और क्या गिफ्ट रहा है, ऑफ एस्पेक्ट मोर सब्लाइम दैट ब्लेस्ड मूड, ऑफ एस्पेक्ट मोर सब्लाइम. वर्ड्सवर्थ यहाँ पे बहुत खूबसूरत बात करते हैं कि सब्लाइम मुझे मिला. सब्लाइम का मतलब सम नोबल थॉट्स आई फाउंड, उच्च विचार मुझे. जब मैं नेचर में गया तो नेचर से अगर कोई अगर सीखना चाहे तो सब कुछ वो सीख सकता है. स्पेशली इफ यू गो विद द पोयम एजुकेशन ऑफ नेचर, वर्ड्सवर्थ सेज दैट कि नेचर इज गाइड गार्जियन, यू कैन लर्न एनीथिंग, स्पेशली व्हेन नेचर प्रॉमिसेस दैट आई विल टर्न दिस गर्ल इनटू अ मैच्योर लेडी. तब वहां पर भी वो चीज आपको दिखाई पड़ता है कि वर्ड्सवर्थ के कहते हैं कि वी कैन लर्न ऑफ एस्पेक्ट मोर सब्लाइम दैट ब्लेस्ड मूड. और ब्लेसिंग की बात करते हैं कि नेचर ने जो गिफ्ट मुझे मिला, नोबल थॉट मिला, और मेरे मूड को उसने ब्लेस्ड किया, ब्लेसिंग किया. ब्लेसिंग मिलना यह इंडिकेट करता है कि वर्ड्सवर्थ हैज बिलीफ, वर्ड्सवर्थ हैज रिजोल्यूशन इन नेचर एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट, और नेचर उनके लिए क्या है, पैलिसिया है. इट ब्लेस्ड हर हिज मूड. नाउ यू फाइंड अनदर point and what is that in which the burthen of the mystery, in which the burthen the burden of mystery. करें जीवन की जो झंझावते हैं, जो रहस्यात्मक चीजें हैं, जो ये बोझ के समान है. बहुत सारे हमारे रिलेशनशिप ऐसे हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर देखा जाए तो बर्डन है. और एक तरह से ये जो बर्थन ऑफ मिस्ट्री है, जो जीवन की ये एक तरह से जो मिस्ट्री बर्डन है, इन विच द हैवी एंड द वेरी वेट. और इस जीवन में जब बहुत सारी चीजें भारी लगने लगती है और वेरी वेट, वेरी माने थकाऊ लगने लगती है, और ये आप कह सकते हैं कि बोरियत भरी जिंदगी लगती है. और जब हम जीवन के रहस्य को समझ नहीं पाते, उसके उसकी उलझनों को सुलझाने का हमारे पास कोई तरीका नहीं होता है, और जब हम थक जाते हैं और आगे कहते हैं ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड, और दुनिया का ये जो निजाम है जो कैसा अनइंटेलिजिबल, अनइंटेलिजिबल जिसमें इंटेलिजिबिलिटी रही है. अनइंटेलिजिबल हियर रिफर्स टू व्हाट, अनइंटेलिजिबल इट रिफर्स टू वेयर देयर इज नो यू कैन से इंटेलेक्चुअलिटी, where there is no way how to resolve the problem, where there is no guidance how to overcome the hurdle. और ये जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, तो एक तो उन्होंने कहा कि जो लाइफ है हमारी उसमें क्या है, बर्थन ऑफ मिस्ट्री है. उसमें तमाम बर्डन है और यह बर्डन मिस्टीरियस है. और वह क्या है,
कभी शहरी जिंदगी, कभी गांव की जिंदगी, कभी नेचर को लेकर के तमाम कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, कभी लाइफ को, कभी डेथ को लेकर के। कभी ये लगता है कि कौन सी जिंदगी बेहतर है, किस रास्ते पर जा करके जिंदगी गुजारी जाए। देन ही सेज दैट कि कभी ऐसा लगता है जिंदगी में बहुत ज्यादा वेरी वेट है, थकाने वाली उबाने वाली चीजें हैं। कभी ऐसा लगता है कि पूरा जो वर्ल्ड है ये जो है अपने में क्या है, अनइंटेलिजिबल है, इसमें कोई बौद्धिकता नहीं है, जो भी समस्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि तमाम क्वेश्चंस को लिए हुए, तमाम समस्याओं को लिए हुए मैं हैरान था, मैं परेशान था, और इस कंडीशन में इन विच द अफेक्शंस जेंटली इज लाइटन, इन तमाम क्वेश्चंस का जवाब मुझे केवल एक रोशनी ने दिया, और वह क्या है, नेचर और नेचुरल ऑब्जेक्ट। चाहे वो दुनियावी क्वेश्चन रहा हो, कौन सा क्वेश्चन मिस्ट्री का रहा हो, चाहे वियरी वेट का रहा हो, चाहे अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड का रहा हो, लेकिन आई वॉज लाइटन, आई गॉट लाइटन दैट सीरीन एंड ब्लेस्ड मूड। और मैंने ये पाया कि जो मेरा मूड था वह क्या था, सीरीन एंड ब्लेस्ड। ब्लेस्ड का मतलब होता है काम, कि जो तमाम इन झंझावतों में, इन परेशानियों के बावजूद भी मैं खूबसूरत ढंग से जिंदगी को जिया, या एक तरह से नेचर की उन चीजों ने मुझे रास्ता दिखाया, इन विच द अफेक्शंस जेंटली लीड अस ऑन। और वो नेचर और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का जो प्यार था उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ा, और मैं अच्छे ढंग से अपने जीवन को आगे बढ़ा सका, अंटिल द ब्रीथ ऑफ दिस कॉर्पोरियल फ्रेम। और करें जब तक, कॉर्पोरियल फ्रेम का मतलब कि स्ट्रक्चर, जो ये फिजिक है, जो हमारी शरीर है, करें कि जब तक हमारी शरीर में सांस चलती रहेगी, एंड इवन द मोशन ऑफ आवर ह्यूमन ब्लड, और जब तक हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट करता रहेगा, उसका नेचर और नेचर का असर हमेशा रहेगा। मतलब जीवन के अंतिम सांस तक कहीं ना कहीं जो समय मैंने गुजारा नेचर में, या जो समस्याएं मैं फेस कर रहा हूं, उसका अगर मुझे कहीं सॉल्यूशन मिला तो नेचर, अगर मैं कहीं लाइटेंड हुआ तो नेचर, अगर मुझे कहीं पे बाम मिला, काम मिला, हीलिंग टच मिला, तो नेचर से ही मिला। फिर वो कहते हैं ये एक दिन के लिए नहीं है, बल्कि इट विल रिमेन ऑलवेज। और ये जो हमारा शारीरिक स्ट्रक्चर है, इसमें जो सांसें चल रही है, जो इसमें ब्लड का सर्कुलेशन है, जब तक ये रहेगा उसका असर हमेशा देखने को मिलेगा। फिर वो कहते हैं कभी कभार ऐसा लगता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है ऑलमोस्ट सस्पेंडेड, कभी कभी यह सस्पेंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। कैसे, हम पर डे सोते हैं, जब हम सोते हैं तो हम दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम किस दुनिया में है, लेकिन फिर से हमारा जीवन होता है ऑलमोस्ट सस्पेंडेड, वी आर लेड असलीप। कभी कभार हम गहरी नींद में सो जाते हैं इन बॉडी, बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड बिकम अ लिविंग सोल, लेकिन हमारी आत्मा जागती रहती है। हम हमेशा सोते हैं लेकिन हमारा शरीर सोता है, और आत्मा हमेशा क्या करती है, जागती रहती है। वाइल विद एन आई मेड क्वाइट बाई द पार, वाइल विद एन आई, करें जो हमारी आंखें हैं, वाइल विद एन आई, जो हमारी आंखें हैं मेड क्वाइट बाई द पार, और इसमें जो एक तरह से जो मैं शक्ति महसूस कर रहा हूँ ऑफ हार्मनी, एक सुखद एहसास मुझे मिल रहा है, एंड द डीप पार्ट ऑफ जॉय, और एक गहरी खुशी का एहसास मुझे हो रहा है। वी सी इन टू द लाइफ ऑफ थिंग्स, मैं जीवन की चीजों में इस खुशी को, इस चमक को मैं देख रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ। सो वर्षपत ये बताते हैं कि जो नेचर है, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है, उसका जो जॉय है, उसका जो प्लेजर है, उसका जो डिलाइट है, जो बाम है, जो काम है, जो ट्रैंक्विलिटी है, जो फाउंटेन, आप कह सकते हैं जो फाउंटेन हेड ऑफ हीलिंग टच है, यू फाइंड दीज थिंग्स। और एनी वन हु सबमिट हिमसेल्फ इन द लाइफ ऑफ नेचर, एनी वन हु इज ट्रूली लॉयल डेडिकेटेड टू नेचर, ही आर शी फील्स इट, उसको वो महसूस करता है। और दिस फीलिंग इज नॉट ओनली फॉर अ डे, दिस फीलिंग इज नॉट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, बट दिस फीलिंग इज फॉर ऑलवेज, यह हमेशा हमेशा के लिए है। उस पार्टिकुलर चीज को उन्होंने कहा, दुनिया की जितनी झंझावते हैं,
चाहे दुनिया की मिस्टीरियस चीजें हो, अनइंटेलिजिबल चीजें हो, या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो ना समझ में आता हो, कोई ऐसी केमिस्ट्री हो जिसका कोई ये ना पता चलता हो कि व्हाट वी एक्सपेक्ट एंड व्हाट वी आर गेटिंग, हम क्या उम्मीद करते हैं, क्या हम वो कर रहे पा रहे हैं। इन तमाम झंझावतों से अगर हमें कोई बाहर निकाला या निकालता तो नेचर और नेचुरल ऑब्जेक्ट, क्योंकि नेचर हमें इलाइटन करता है, जॉय प्लेजर काम ट्रैंक्विलिटी, और इसका असर हमारी सोल पर होता है, हमारे प्योरर माइंड पर होता है, हमारे हार्ट पर होता है, सेंसेशन स्वीट होता है, और हमारा जो एक कॉर्पोरियल फ्रेम है, जो स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी है, इसमें सांसें चलती रहेंगी और हमारे शरीर का जब तक ब्लड मोशन करता रहेगा तब तक उसका असर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि नेचर का वह इम्पैक्ट हमारे ब्लड में आ चुका है, हमारे हार्ट में आ चुका है, हमारे प्योरर माइंड में आ चुका है। फिर वो कहते हैं ऐसा लगता है कभी कभार यह सस्पेंड हो जाता है जब हम गहरी नींद में होते हैं, लेकिन हम गहरी नींद में हमारा शरीर होता, आत्मा नहीं होती, हमें आत्मा हमेशा जागती रहती है और उसका एहसास करती है। तो नेचर या नेचुरल ऑब्जेक्ट जो प्रभावित करते हैं वो हमारी आत्मा को प्रभावित करती है और वह एक भी समय के लिए सस्पेंड नहीं होता है। Further you find and even the motion of our human blood almost suspended, we are laid asleep in body and become a living soul while with an eye made quiet by the power of harmony. Harmony एक सुखद वातावरण का एहसास होता है and the deep power of joy, और एक ऐसी खुशियां एहसास होती है, we see into the life of things, जिसका असर हम जीवन के हर चीज में देखते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिस जहां पे उसका असर ना दिखाई पड़े। अगर अगर नेचर और नेचुरल ऑब्जेक्ट का जो चमक है या उसका जो असर है मेरी आत्मा में है, मेरे ब्लड में है, मेरी सोच में है, मेरे हार्ट में है, मेरे प्योरर माइंड पर है, मेरे कॉर्पोरियल फ्रेम में है, तो ये तो मेरे ऊपर है, लेकिन फिर उसकी वजह से मुझे हर चीज में, जीवन के हर चीज में एक अजीबोगरीब चमक दिखाई पड़ती, एक अजीबोगरीब हार्मनी का एहसास होता है। So I would like to conclude here, and I don't think you have any problem. किसी तरह का, we will meet tomorrow और कल हम बात करेंगे।